दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नियामत से महरूम थी। उसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थी, वह सब कोई 2 और कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह तबारक व ताला उसकी गोद भी भर दे। लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, उस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक के उसके ससुराल में भी जितनी शादियाँ उसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुकी थी। जहाँ उस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर उसे और भी दुख और तकलीफ होती कि उसके रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन ना उम्मीदी जाहिर की, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी थी कि अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स की बात कभी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में है। लड़की की दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुप कर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती थी। कोई भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद औलाद ना होने की वजह से कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में करती थी जिसे सुनकर वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद तो थी सिर्फ अल्लाह पाक की जात पर। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नियमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी देवरानी के यहाँ 4th बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा, आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो उसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। लेकिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वही लिटा कर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत को समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसको ऐसा दिल ही नहीं दिया जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थे जो अपनी खुशियाँ भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते करते उसी वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू ना रख सके, और आज उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं दिया था। उसका शौहर उसे दिल व जान से प्यार करता था, उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो उस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बाद में उसके शौहर ने कहा, टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, जब रिपोर्ट आए तो ठीक नहीं थे, तो फिर घर में एक तूफान आ गया। बस कहने लगे कि अब उस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी तो दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत में भी उसे तलाक देने को तैयार नहीं था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि उसकी दिल जोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो हम उस पर भी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। उसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी भी सूरत में नहीं माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लान तान किया, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो। तुम बद जहन ही नहीं बल्कि बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर बहुत परेशान हुई
उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हो गई कि कुछ ना बोला जाए। वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है कि मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा है? सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे मर्जी कहते रहे, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है या अल्लाह, और महरूमी से ना गुजार या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांग रही थी, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता है, मुझे औलाद की नियमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की, उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशें बन गई और अल्लाह पर भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नवील सुनाई गई, वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वो औरत बिना किसी की परवाह किए हुए अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि मुझ गुनाहगार की सुन ली। देखा दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला जो चाहे वो कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। जो कुछ भी है, बस अल्लाह तबारक व ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करे, दिल की जमीर को हमेशा साफ रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ मांगना बहुत अच्छा है और बेहतरीन अमल है। जिसे एक दूसरे के लिए दुआ मांगना, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हमारे वो भाई बहन जो भी औलाद हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसे औलाद नसीब फरमाएं, और जिस बहन की सिर्फ बेटियां हो रही है उसे अल्लाह तबारक व ताला औलाद नरीना अता करे, यानी बेटे की नियामत से नवाजे। और जो भी बहन बेटी की आस में है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।